सच और झूठ कुछ नहीं होता, बस अपना अपना नजरिया होता है। इंसान वही बनता है जो उसे वक्त और हालात बनाते हैं। भला बुरा सब भ्रम है। मैं भी एक भ्रम में जी रही थी, या ये कहूं कि मेरे चारों तरफ सिर्फ भ्रम ही भ्रम था। और एक दिन वो सारे भ्रम टूटे और मेरी जिंदगी को मौत की चौखट पर ले गए। नमस्कार, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया, क्राइम पेट्रोल सतर्क विमेन अगेंस्ट क्राइम की श्रृंखला में आपका स्वागत करती हूँ। हम सब एक खुशहाल आसान सी जिंदगी चाहते हैं, लेकिन हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि दुख दर्द तकलीफ हमारी जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा है। धूप छांव, फूल और कांटे, ये सब एक ही आयाम में पाए जाते हैं और हर इंसान को अपने हिस्से की तकलीफ से तो गुजरना ही पड़ता है। लवली शाह, 16 साल की लड़की, वो कौन से भ्रम में जी रही थी? क्या कहानी थी लवली की कि उसने ऐसा कदम उठाया? लवली के साथ जो कुछ भी हुआ उसे समझने के लिए हमें सबसे पहले लवली की जिंदगी को जानना पड़ेगा। आप सभी पंचगणों से हमारी विनती है कि हमको इंसाफ दिलवाइए। ये वृंदावन सालों पहले हमसे कर्जा लिया और आज तक रकम नहीं लौटाया। जरा पूछिए इससे, कब देगा हमारे पैसे? 5,000 रुपए लिया था इनसे, सूद मिला के 14,000 वापस कर चुके हैं, और कितना दें हम बताइए? लेकिन 11,000 रुपए अभी भी बाकी हैं। पाई पाई का हिसाब रखे हैं, पूछ लो इनसे। वृंदावन, सम्राट जी ने अपने सारे कागज दिखाए हैं, रकम तो तुम्हें लौटानी पड़ेगी। देखिए, अगर देना है तो आपको मालूम है कि खेती बाड़ी का क्या हालत चल रहा है, थोड़ा बखत दीजिए तो कोशिश। नहीं नहीं नहीं, पंच परमेश्वर, आप लोग इसकी बातों में मत आइए, फैसला सुनाइए अपना। वृंदावन, तुम्हें 15 दिन की मोहलत दी जाती है, अगर रकम नहीं लौटाई तो। वाह, क्या न्याय किया है, गरीब पर जुल्म और साहूकार को सलाम। ए लवली, बीच में मत बोल, मालूम नहीं पंच परमेश्वर होते हैं। ए वृंदावन, समझा ले इसको, पंचायत के बीच में लड़की बोले शोभा नहीं देता। और आप जो पिछले 5 सालों से सूद का चक्कर घुमा घुमा कर कर्जा वसूली कर रहे हैं, आपको शोभा देता है? ए, जानते किसे बात कर रही है? क्या बोल रही है? पंचायत में लड़की नहीं बोलती है, चलो जाओ। आज की लड़कियां पंचायत तो क्या पार्लियामेंट में भी बोलती हैं, और हम भी बोलेंगे, अगर कुछ गलत होगा ना तो हम बोलेंगे। वृंदावन, समझा इसको, वरना ठीक नहीं होगा। तुम घर जाओ। अरे तुम घर जाओ, क्या बोल रही हो तुम? अरे घर जाओ ना तुम। लवली, खाने पर गुस्सा मत निकाल, वैसे भी गलती तेरी थी। तूने आज तक गांव की किसी भी औरत को पंचों के बीच बोलती हुई सुना है? सालों से ये जो सड़ी गली प्रथा चल रही है, कब छोड़ेंगे हम? आप मुझे एक बात बताइए, सालों पहले सती प्रथा होती थी ना, आज है ये सब? नहीं है ना? अरे हम अंग्रेजों के गुलाम हुआ करते थे, आज है? नहीं ना? सब कुछ बदलता है और बदलना भी चाहिए, और इस बदलाव के लिए आवाज उठानी पड़ती है। तुम्हारी बातें सुनकर हमको विश्वास ही नहीं होता कि रमा दीदी का कोई असर भी है। प्लीज, माँ को मत लाइए बीच में। क्या हुआ? हम पानी लाते हैं आपके लिए। देखो, दोबारा पंचों के बीच में मत बोलना, तो अभी तो माफी मांग लेंगे तुम्हारे नाम पे हम। आप कितना डरते हैं उनसे। लवली, हम कह रहे हैं बापू कुछ मत बोल। वाह कन्हैया भैया, आपकी ये भारी भरकम आवाज पंचों के सामने तो नहीं निकली, या मुझे समझा रहे हैं? इंसुलेटिंग सपोर्टिंग मीडियम, कंस्ट्रक्शन ऑफ वेंडी ग्राफ जनरेटर। तो चलिए, वेंडी ग्राफ जनरेटर का नाम वेंडी क्यों रखा गया, कौन बताएगा? अच्छा गौतम, तुम बताओ। सर, रॉबर्ट जे वेंडी ग्राफ नाम के वैज्ञानिक ने इसे इन्वेंट किया था, इसीलिए। वेरी गुड, शाबाश। तो अब ये बताओ, वेंडी ग्राफ जनरेटर का इस्तेमाल कहाँ होता है? हम बताएं सर। चलो कोई बात नहीं, हम बताते हैं। वेंडी ग्राफ जनरेटर का इस्तेमाल हाई वोल्टेज जनरेट करने के लिए किया जाता है, याद रहेगा ना आप सबको? यस सर। हाँ गुड। लवली, तुमको सब आता है ना, बहुत होशियार हो ना तुम। अच्छा तो चलो ये बताओ, साइक्लोप शील्ड जनरेटर किसने इन्वेंट किया? बोलो सर। जाने माने वैज्ञानिक अज्ञे ने किया था, तकलीफ मत कीजिए सर, अज्ञे वैज्ञानिक नहीं बल्कि कवि हैं। आपको फिजिक्स आती है लेकिन फिजिक्स पढ़ाना नहीं आता। चुप करो। और इस सेमेस्टर के सारे चैप्टर
अगली बार 3 बार लिख कर लेके आना अगली क्लास में, नहीं तो कोचिंग क्लास में बैठने नहीं देंगे। जाओ, दफा हो जाओ। जाती हो या फिर से सस्पेंड होना है? हाँ तो बच्चों, लवली तुमने रमा दीदी से पैसे क्यों मांगे? माँ है वो हमारी, अब मांग लिए तो क्या हो गया? वो कुछ कहती नहीं है तो ठीक है, लेकिन वो भी कोई रईस नहीं है कि तुम उनसे जब चाहे खर्चा करवाती रहो। आपकी प्रॉब्लम क्या है? आपको तो पैसे देने नहीं है, है ना? और अगर मेरे माँ बाप दे रहे तो आपको क्या परेशानी हो रही है? देखो बेटा, इंसान को उतना ही पैर फैलाना चाहिए जितना चादर होता है। अब तुम यहाँ रहती हो, हमारा जिम्मेदारी है और हमारे पास ज्यादा पैसा नहीं है। फिर से हाथ खड़े कर दिए ना। बेटा लवली, ज्यादा मत बोलो तुम। बोलेंगे हम, ऐसे बेबसी की जिंदगी नहीं जी सकते हम। ये मत करो, वो मत करो, सपने मत देखो, अरे तंग आ चुके हैं हम, घुटन होने लगी है हमें। ऐसे जीने से अच्छा ना लगता मर ही जाए। और वैसे भी आप दोनों को ना कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे होने ना होने से। एक काम करते हैं, मर ही जाएंगे आज हम। अरे लवली, लवली। लवली अभी तक नहीं आई। सुषमा, तूने लवली को देखा क्या? रोज शाम को इस समय तक कोचिंग क्लास से आ जाती है। नहीं नहीं, हमने तो नहीं देखा लवली को। तो क्या हुआ सुंदरी? नंदू बता रहा है डरी हुई है तुम, फौरन भाग के आ गए हम। लवली अभी तक घर नहीं आई है। सुनो, काम कर, तुम इधर देखो, हम उधर देखो। हाँ ठीक है, जाओ। वृंदावन, लगता है अब हमें पुलिस में खबर कर देनी चाहिए। पुलिस नहीं वृंदावन, पुजारी जी एकदम ठीक कह रहे हैं। हम सब लोग तो लवली को ढूंढ ही चुके हैं, अब केवल पुलिस ही ढूंढ सकता है उसे। भैया, पुलिस तक बात पहुंचेगा तो बहुत बदनामी हो जाएगा हमारा। लोग पता नहीं क्या क्या बात बनाएंगे। बस लोगों को पड़ा है और हमारी बिटिया का क्या? हम जाते हैं पुलिस के पास। अरे लेकिन तुमको जाने का जरूरत नहीं है, हम जाएंगे थाने। लड़की की साइकिल नीचे खड़ी है, उस पर बैग भी है। देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि वो खुदकुशी के मकसद से ऊपर आई हो। उसने साइकिल नीचे खड़ी की, छत पे आई और फिर यहाँ से कूद गए। कुमार सर, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। Oh, my God.
हम लवली को तुमसे भी ज्यादा जानते हैं, वो कुछ कुछ नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। अजय जी पुलिस तो कह रही है। कोई कुछ भी कहे, हम नहीं मान सकते। हमारे लवली को कुछ नहीं कर सकती। जरूर लवली के साथ कुछ हुआ होगा। हमारे जब तक इसका पता नहीं चलता हम चैन से नहीं बैठेंगे। हमारे बेटे को ले आओ दीदी, हमारे बेटे को ले आओ। देखिए रमा जी, आपकी भावनाओं को हम समझ सकते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है, आप क्या कहती हैं, ये सब बातें कानून के सामने मायने नहीं रखती। कानून के लिए मायने रखते हैं सबूत। सबूत क्या कहते हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है? और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक लवली ने सुसाइड किया था। अब आप लोग लवली की डेड बॉडी ले जाइए और उसका अंतिम संस्कार कीजिए। नहीं, जब तक दोबारा जाँच नहीं होगी हमारे लवली के शरीर का अंतिम संस्कार नहीं होगा। रमा बिल्कुल ठीक बोल रही है, लवली का शरीर तभी राख होगा जब उसके साथ इंसाफ होगा। मौत पर इंसान का कोई बस नहीं चलता, लेकिन जिंदगी के फैसले इंसान खुद लेता है। लेकिन शायद ये भी एक भ्रम है, मेरी किस्मत का फैसला हमेशा दूसरों ने लिया, हमेशा। घटना स्थल पे मिले सबूत, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सब यही दर्शा रहे थे कि लवली ने आत्महत्या की थी। लेकिन रमा इस बात को मानने को तैयार नहीं थी। वो चाहती थी कि इस केस की दोबारा जांच हो। अगर ये मान भी लिया जाए कि आत्महत्या का नहीं हत्या का केस है, तो भी सोचने वाली बात यह है कि रमा इतने यकीन के साथ कैसे कह रही थी। खैर, परिवार का विक्टिम को अंतिम संस्कार देने से इनकार करने का फैसला कारगर साबित हुआ। देखते ही देखते इस मामले ने तूल पकड़ा और केस अखबार की सुर्खियों तक पहुंच गया। अच्छी बात यह हुई कि लवली की कम्युनिटी ने भी आवाज उठाई और पब्लिक सेंटिमेंट्स को ध्यान में रखते हुए री इन्वेस्टिगेशन के लिए केस क्राइम ब्रांच को सौंपा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक लवली ऊंचाई से गिरी और जमीन पर सर टकराने से उसकी मौत हुई। लोकल पुलिस की रिपोर्ट में भी यही लिखा है सर। पड़ोसियों से पता चला कि लवली पढ़ने के लिए कोटा जाना चाहती थी, लेकिन घर वालों ने मना कर दिया तो वो काफी अपसेट थी। हमारे लिए महज एक केस हो सकता है, लेकिन किसी ने अपनी बेटी खोई और अगर उसके साथ कुछ नाइंसाफी हुई है तो उसे इंसाफ दिलाना हमारा फर्ज है। विक्टिम की फैमिली से मिलना पड़ेगा। लवली को और उसके मन को बहुत अच्छी तरह से समझते थे। हमारी लवली खुदकुशी कर ही नहीं सकती, कितने सपने थे उसके, कितना कुछ करना चाहती थी वो। देखिए आपके जज्बात में समझता हूँ, लेकिन हमारे लिए जाना जरूरी है। क्या लवली किसी बात को लेकर परेशान थी? उसने कभी कुछ कहा हो आपसे या आपने कुछ देखा? सर, लवली के मौत के एक दिन पहले उसने हमें फोन किया था। तो हम क्या करें मम्मी? हमको कोटा जाकर IIT की तैयारी करनी है। मम्मी, हमारा सपना है कि हम देश के सबसे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ें, कुछ करें। हमने कहा ना, हम उनसे बात करेंगे, वो मान जाएंगे। मम्मी, लेकिन तब तक फॉर्म भरने की डेट निकल जाएगी, सिर्फ 6,000 रुपए चाहिए। हम भिजवाते हैं पैसे, अभी भिजवाते हैं। थैंक यू मम्मी, थैंक यू, थैंक यू। उसी दिन लवली ने कोटा के किसी इंस्टीट्यूट का फॉर्म भरा था, कितना खुश थी वो। तो लवली को कोटा भेजने के लिए आप लोग भी राजी थे? हाँ साहब, लवली की खुशी से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं था साहब। आप ही सोचिए ना सर, अगर लवली किसी बात को लेकर हताश थी तो एक दिन पहले वो कोटा का फॉर्म क्यों भरती? देखिए आपकी बात मैं समझता हूँ, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो यही कहती है कि उसने खुदकुशी की थी। तो आप भी यही मानते हैं कि हमारी लवली ने खुदकुशी की? देखिए जब तक हमारी तहकीकात पूरी नहीं हो जाती हम कुछ नहीं कह सकते। हम इस केस की तहकीकात फिर से करेंगे, फिर देखते हैं। जी नहीं, हमारी तरफ से तो कोई कोताही नहीं बरती गई। पता नहीं लवली के परिवार वाले इतना हंगामा क्यों मचा रहे हैं। लेकिन मुमकिन है आपकी तहकीकात में कोई कमी रह गई? हाँ, सिर्फ एक कमी रह गई। हमने लवली के परिवार पर उसे सुसाइड के लिए उकसाने का चार्ज नहीं लगाया था। अब सुसाइड करने की कोई तो वजह होगी। उसके नेबर ने हमें बताया था कि लवली के उसके परिवार से अक्सर झगड़े होते थे। परसों शाम लवली के घर बड़ा हंगामा मचा था, लवली को कोटा पढ़ने जाना था, कौन जाने यही वजह रही हो लवली की आत्महत्या करने की। अच्छा यादव, हाँ विसरा जांच करवाना चाह रहे हैं,
आपको कोई एतराज़ तो नहीं ना? जी नहीं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, आप करवाइए। सर, इस रिपोर्ट के मुताबिक लवली ने खुदकुशी नहीं की। नो ट्रेसेस ऑफ ब्लड इन लंग्स। अगर मौत गिरने से हुई होती तो लड़की की सांस के साथ उसके लंग्स में ब्लड आता, मतलब जमीन से टकराने से पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। लवली साहू 10 बजे कोचिंग इंस्टीट्यूट पहुंची और तकरीबन 1 बजे वहां से निकली। सर, हमारे पास विटनेस है जिसने लवली को वहां से लौटते वक्त देखा था। तो मतलब साफ है लवली के साथ जो भी हुआ इंस्टीट्यूट से लेकर घर के रास्ते के बीच में ही हुआ। सर, लोकल पुलिस का जो विटनेस है लक्ष्मण, उसका कहना था कि जब लवली से उसकी टक्कर हुई तो वो काफी परेशान लग रही थी और हड़बड़ी में कहीं जा रही थी। तो मतलब लवली के साथ उस दिन कोचिंग क्लासेस में कुछ हुआ होगा। हम शुरुआत वहीं से करें। हाय पूनम, तू रो क्यों रही है? देख कितना गंदा गंदा लिखा है हमारे बारे में। हमारा नंबर भी दिया है। कब से बंदे बंदे मैसेज आ रहे हैं फोन पर। अगर घर वालों को पता चला तो पता नहीं क्या होगा। सोचते हैं कि नंबर ही बदल दे। नहीं पूनम, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, तू टेंशन मत ले। अरे ये तो बॉय वॉशरूम की दीवार है। क्या? हाँ, हमारे यहाँ ऐसी टाइल्स है। तू चल चल, तू मेरे साथ चल। अरे लेकिन लवली, गुस्से में कुछ मत करना। तू चुप रह गौतम। हाँ भाई, देख ले ये हमारे इंस्टीट्यूट की लड़की है, तो एक बार फोन करके तो देख। I swear to God, तू एक बार कॉल तो कर। शुभांकर, ये सब तूने किया है? हम तो बस फोटो ले रहे थे। चल लवली, तो हमारा नाम भी लवली नहीं। नहीं नहीं प्लीज लवली, ऐसा मत करना। अरे हमने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया तूने? फोन निकाल, तेरा फोन निकाल। अरे हम तो बस खोल फोन, फोटो ले रहे थे। अच्छा, कुछ नहीं किया मैंने। हाय लवली, बड़ा ही प्यारा नाम है ना। दीपक, हमारे रास्ते से। अरे सुनो तो सही, गुस्सा क्यों हो रही है? कसम से गुस्से में ना तुम और भी लवली लगती हो। भाई अभी जी इसलिए नाराज हैं क्योंकि पूनम पे तो हमने पूरी दीवार लिख दी, इनके लिए हमने कुछ लिखा नहीं, इसीलिए बस। हटो यहाँ से तुम लोग। दीवार क्या, पूरा कमरा लिखना पड़ेगा इस लवली के लिए। अगर हमारे रास्ते में आए ना, हम दोनों का मुंह तोड़ देंगे। सर, बॉयज टॉयलेट वाले इंसिडेंट के बाद लवली ने शुभांकर को सस्पेंड करवा दिया था, लेकिन जब दीपक और सुनील के साथ झगड़े की खबर मैनेजमेंट वालों को पता चली तो लवली को भी 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया, और 1 हफ्ते बाद वो लौट के आई तो उसका पूरा प्लान ही बदला हुआ था। प्लान बदला हुआ था? जी सर, लवली IIT की तैयारी के लिए कोटा जाना चाहती थी, पर हमने उसको आखिरी बार तब देखा था जब वो और गौतम मिलके कोटा का फॉर्म भर रहे थे। गौतम कहाँ मिलेगा? वो तो उसी दिन कानपुर चला गया था, अब तक नहीं लौटा। अच्छा, आप और लवली इंस्टीट्यूट के बाद घर एक साथ जाते थे ना? जी सर, पर आधे रास्ते तक ही साथ जाते थे। लवली का घर अलग पड़ता है और हमारा अलग, तो एक मोड़ के बाद हम अलग हो जाया करते थे। हाँ, इस लड़की को देखा है साइकिल से जाते हुए, दो लड़कों के साथ झगड़ा भी हुआ था इसका। तो लवली कहाँ जा रही हो, हम छोड़ देंगे। रास्ता छोड़ो हमारा, तुम हटो हमारे रास्ते से। तुम छोड़ देते हैं ना, छोड़ देते हैं ना। क्यों पकड़ रहे हो? ए ए ए दीपक, एक मिनट, चल 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 चल। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं हुआ है। कौन थे वो दोनों लड़के, जानते उनको? सर हम जानते तो नहीं है, लेकिन हाँ लाल रंग की बाइक से आए थे। पूनम, वो जो दो लड़के दीपक और सुनील उस दिन लवली को परेशान कर रहे थे, क्या उनके पास कोई बाइक है? हाँ सर, दीपक के पास बाइक है, वो भी लाल कलर की। रहते कहाँ दोनों, एड्रेस मालूम? नहीं सर, घर नहीं पता, पर इतना पता है कि हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं।
सर दीपक और सुनील के एड्रेस इंस्टीट्यूट से मिल गए हैं, जल्द ही दोनों गिरफ्त में होंगे। सर उस्मान खबरी ने एक काम की न्यूज़ दी, लवली को जिस बिल्डिंग से फेंका गया था वो बिल्डिंग सम्राट सिंह की है। सम्राट सिंह लवली के गांव का एक बड़ा साहूकार है। लवली के पिता वृंदावन ने उससे काफ़ी कर्जा ले रखा था जो कि वो चुका नहीं पा रहा था। इस बात को लेकर दोनों का भरी पंचायत में काफ़ी झगड़ा हुआ था। बुलाओ उसे। सर देखिए आप हम पे बेकार में शक कर रहे हैं, हमारा इस केस से कोई लेना देना नहीं है। जिस दिन लवली की मौत हुई हम तो गाँव में थे भी नहीं। और तो गाँव जा भी नहीं पाएगा अभी वापस अगर सच नहीं बोलेगा। बोलो लवली के फादर वृंदावन के साथ पैसों को लेकर झगड़ा हुआ था ना तुम्हारा? अरे साहब हम साहूकार हैं, लोगों के सुख दुख में ब्याज पर पैसा देके उनकी सहायता करते हैं। अब अगर कोई ग्राहक हमारा पैसा नहीं लौटाएगा ब्याज तो चढ़ाना पड़ेगा, यही तो धंधे का उसूल है। हमारा भी एक उसूल है, जब तक सच नहीं सुनते यहाँ से जाने नहीं देते। हमने कुछ नहीं किया है साहब। लेकिन लवली की बॉडी को तुम्हारी बिल्डिंग से नीचे फेंका गया था। अरे साहब हम आपको यही तो समझा रहे हैं, हमें अगर लवली को मारना होता तो उसकी लाश को अपनी बिल्डिंग से नीचे क्यों फेंकते, ताकि हम खुद ही फंस जाएं। सम्राट की बात में लॉजिक तो है, अगर इसने लवली को मारा होता तो वो उसे खुद ही अपनी बिल्डिंग से नीचे क्यों फेंकेगा, क्योंकि इससे तो सबसे पहला शक इसी पे जाएगा। सर तो हो सकता है कि किसी और ने सम्राट और वृंदावन की दुश्मनी का फायदा उठाया, इसलिए लवली की बॉडी को सम्राट की बिल्डिंग से नीचे फेंका, ताकि अगर वो सुसाइड ना भी दिखे तो कत्ल का शक सम्राट पर जाए। सवाल यह है कि लवली उस दिन इतनी हड़बड़ी में क्यों थी? क्या वो बिल्डिंग में किसी से मिलने वाली थी? डू वन थिंग, बिल्डिंग के आसपास जितने भी लोग रहते हैं सब पर नजर रखो। सर और दीपक और सुनील? सर वो दोनों फरार हैं और शुभांकर भी सस्पेंशन के बाद से अपने घर नहीं पहुंचा है। पता लगाओ तीनों कहां छुपे हैं। जी सर एक बात और, लवली का परिवार उसका अंतिम संस्कार करना चाहता है। ठीक है और रिलीज कर दो। सर आप क्या कह रहे हैं? हम सही कह रहे हैं, हमने अपने आंखों से देखा इसके शरीर पर जख्म के निशान। देखिए जरूर आप लोगों से कोई गलतफहमी हुई। कोई गलतफहमी नहीं हुई है, हमसे गलती हुई जो हमने सोच लिया कि आप निष्पक्ष जांच करेंगे। आप पे भरोसा कर लिया, हमसे गलती हुई है। देखिए शांत हो जाइए, मैं वादा करता हूँ अगर जरूरत पड़ी तो हम फिर से पोस्टमार्टम करवाएंगे। अरे हमारी बेटी के शरीर के साथ और कितना इग्नोर करोगे आप लोग, कितनी बार चीर-फाड़ करोगे हमारी बेटी के शरीर के साथ? पुलिस इन्वेस्टिगेशन एक मजाक बनकर रह गया था। पहली इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में यह आया था कि लवली ने आत्महत्या की थी। विसरा रिपोर्ट ने यह दावा किया कि पहले लवली को मारा गया फिर बिल्डिंग से फेंका गया, और अब पता लग रहा था कि लवली के प्राइवेट बॉडी पार्ट्स पे जख्मों के निशान थे, उसका रेप हुआ था। और ये बात किसी रिपोर्ट से नहीं बल्कि लवली के परिवार से पता लगी उसके अंतिम संस्कार के ठीक पहले। लोकल पुलिस और क्राइम ब्रांच की मंशा और क्षमता दोनों पे उंगलियां उठ रही थीं। प्रशासन ने लोगों के आक्रोश से बचने के लिए बॉडी को तीसरी बार पोस्टमार्टम के लिए भेजा, और जब रिपोर्ट सामने आई लोगों के होश उड़ गए। लवली का गैंगरेप हुआ था। आखिर इतनी बड़ी चूक हो कैसे सकती? दीज आर द प्रोफेशनल्स जिनको पोस्टमार्टम जैसे सीरियस जॉब का जिम्मा दिया गया। सर मैंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट दोबारा पढ़ी, पहले लवली के साथ गैंगरेप हुआ और फिर गला घोटकर उसको मार दिया गया। सर लेकिन एक बात नहीं समझ में आ रही कि लवली के प्राइवेट पार्ट्स पर रेपिस्ट के डीएनए ट्रेसेस कैसे नहीं मिले? शायद रेपिस्ट ने प्रोटेक्शन यूज किया, सब कुछ बड़ी प्लानिंग के तहत किया गया।
लड़की को बिल्डिंग तक अकेले बुलाना और फिर मर्डर को सुसाइड दिखाना और वृंदावन और सम्राट के झगड़े का फायदा उठाना, ये किसी शातिर की लड़की का काम है। शुभंकर, हेलमेट पहन ले, पुलिस ढूंढ रहे हम लोगों को। तुम भी बैठ। क्या लवली पिछले 13 साल से अपने मौसा मौसी के साथ रह रही थी? जी सर, अभी अभी उस्मान ने खबर दी। दरअसल लवली के पैदा होने के कुछ समय बाद ही लवली की माँ सुंदरी ने लवली को अपनी बड़ी बहन रमा को सौंप दिया था, क्योंकि रमा के कोई औलाद नहीं थी। लेकिन 2 साल पहले वो लोग लवली को उसके माँ बाप के पास वापस छोड़ गए। 2 साल पहले ऐसा क्या हुआ था कि लवली अपनी जन्म देने वाली माँ के पास वापस आ गई? सर ये तो अब तक पता नहीं चला। तो कहीं इस केस के तार 2 साल पहले हुए इस हादसे तो नहीं जुड़े हुए? लवली की मौसी रमा से मिलना पड़ेगा। मम्मी, एक गिलास दूध मिलेगा? क्या बात है, आज खुद से दूध मांगा? लाती हूँ। यहाँ क्या कर रहे हो? ये तुम्हारे लिए, पकड़ो इसे, पढ़ना जरूर। ठीक है, मैं चलता हूँ। बाय। लवली, लो बेटा दूध पी लो। मुझे दूध नहीं अच्छा लगता, आप पी लीजिए। अरे कहाँ जा रही हो? अरे हम शादी कब करेंगे? जब तू ना 18 साल की हो जाएगी, यानी 4 साल बाद। 4 साल? नहीं, मैं इतना वेट नहीं कर सकती। अरे लवली, तुम्हें पता हमारा दिल क्या करता है कि हम तुम्हें अभी के अभी घर से यूं भगा के लेके जाएं। सच्ची? भगा के ले जाएगा? पापा? भगा के ले जाएगा? इससे निकले नहीं है। शादी करना चाह रहा है? निकलो मत, तुम्हारा भाग यहाँ से। पापा। भी कमली है। चल, चल आज तुझे बताता हूँ। लवली, हम जानते हैं हमारे माँ बाप हमारे प्यार को नहीं समझेंगे, वो नहीं होने देंगे हमारी शादी। हमारे माँ बाप ने तो हमें कमरे में बंद करके रखा है, हम तो भाग भी नहीं सकते, हम क्या कर रहे हैं भाई? हम अगर साथ में जी नहीं सकते तो साथ में मर तो सकते हैं। मरने के बाद हम लोग अगले जन्म में मिलेंगे। तुम सही कह रहे हो विवेक, मरने के बाद हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा। तो ठीक है, इस संडे को 12 बजे एक साथ एक टाइम पे हम लोग सुसाइड करेंगे। हाँ वादा, संडे को ठीक 12 बजे। बिहारी जी, हमने पता किया, विवेक के साथ हुए उस हादसे के बाद ही आपने लवली को यहाँ भेजा था। इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं बचा था साहब। दरअसल उस हादसे के बाद लवली सदमे में थी, विवेक की मौत के लिए वो खुद को जिम्मेदार मानती थी। उसकी ये हालत देखकर ना चाहते हुए भी लवली को हमने अपने आप से अलग किया और उसे यहाँ भेजा ताकि वो उस सदमे से उभर पाए। तो यहाँ आने के बाद लवली उस सदमे से उभर पाई थी? साहब वो धीरे धीरे तो यहाँ के माहौल में ढलने लगी थी, लेकिन वो पहले वाली लवली नहीं रह गई थी। उसकी हंसी में भी एक उदासी थी साहब, और उसने अपने अंदर जो गुस्सा दबा के रखा था
वो कभी भी फूट पड़ता था। जाहिर सी बात है, इतने बड़े हादसे के बाद उसे प्रोफेशनल काउंसलिंग की जरूरत थी, अपने माँ बाप की जरूरत थी, उसे आप लोगों के साथ की जरूरत थी। करते भी तो क्या करते साहब, विवेक के पिताजी वकील थे, उन्होंने लवली और हमारी जिंदगी हराम करके रख दी थी साहब। कई बार पुलिस आती थी हमें परेशान करने के लिए, और एक दो बार तो उन्होंने गुंडे भी भेजे थे। गुंडे? हाँ, विवेक का मामा किसी गुंडे से कम नहीं है। एक दो बार तो इनके साथ भी मारपीट की थी, वहां वो हमसे बदला निकालते और यहाँ मेरी बहन के परिवार को परेशान करते थे वो। विवेक का मामा लवली का पीछा करते करते यहाँ तक आया था? सर, वो कई सालों से पीछे पड़ा हुआ था, और विवेक का मामा कोई और नहीं, सम्राट सिंह है। मान गए सर, गड़े मुर्दे उखाड़ना कोई आपसे सीखे। हमारे भांजे की मौत के जख्म को आज आपने फिर से कुरेद दिया। हमारे पास फैक्ट है और तुम्हारे पास मोटिव। नहीं साहब, हमें अगर ऐसा करना होता तो 2 साल तक इंतजार नहीं करता, उसी समय निपटाते होते उसको। देख सम्राट सिंह, साहब परिवार के साथ तेरी दुश्मनी की दास्तान सामने आ चुकी है, अब बेहतर यही होगा कि तू अपना गुनाह कबूल कर ले। साहब हमारी बात सुनिए, हम जान चुके कोई है जो फायदा उठा रहा है हमारे और वृंदावन के बीच के अनबन का, और उसी के झांसे में आके आप सब लोग भी गोल गोल घूम रहे हैं। गोल गोल तो तू घुमा रहा है हमें। समय, सीधे रास्ते पर ला जरा से। अरे अरे सर, सम्राट के कॉल रिकॉर्ड चेक किए, क्लीन है, कोई सस्पिशियस एक्टिविटी भी नहीं। अब या तो ये सम्राट बहुत स्मार्ट है, या फिर वाकई इसके और लवली के फादर वृंदावन के झगड़े का फायदा उठाकर कोई फंसाना चाहता है सम्राट को। सुंदरी लो, कुछ खा लो। कब तक अपने आप को सजा देती रहोगी? लो। नहीं दीदी, सजा तो उसको मिली है, ऐसी घिनौनी मौत, हम सब उसके गुनाहगार हैं दीदी। ऐसे क्यों बोल रही हो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। गलती तो उसकी भी नहीं थी दीदी, फिर भी हमने उसको सजा दी, उसको हमने आज से अलग कर दिया दीदी। कभी उसको अपने पास प्यार से बिठाकर समझाया तक नहीं। लवली, इतनी देर क्यों हो गई आने में? बेटा पढ़ाई कर रहे थे इसलिए देर हो गई आने में, और आप हमारी इतनी फिक्र क्यों करती हैं? जब तुम माँ बनोगी ना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि हम तुम्हारी इतनी फिक्र क्यों करते हैं। अगर आपको इतनी फिक्र होती ना हमारी, तो 11 महीने की उम्र में अपने आप से दूर नहीं करती आप हमें। और हाँ, माँ सिर्फ एक होती है, और हमारी माँ आपकी बहन है, आप नहीं है। रिकॉर्ड तुझसे लेते वक्त ये वादा किया था कि उसे दो दो माओ का प्यार मिलेगा, लेकिन देख, हम में से कोई भी उसकी माँ नहीं बन पाए। सर, लवली के कोचिंग इंस्टीट्यूट की फ्रेंड पूनम आपसे मिलने आई। बोला। सर, मुझे आप लोगों को एक बात बतानी थी, पर मेरा नाम नहीं आना चाहिए। बोलो, आपका नाम सामने नहीं आएगा। सर, वो हमारे इंस्टीट्यूट के फिजिक्स टीचर अरविंद गुप्ता सर, वो आए दिन लवली को ह्यूमिलेट करते रहते थे। साफ नजर आता है कि उन्हें लवली से प्रॉब्लम है। तो आपने कभी लवली से पूछा नहीं था वो ये सब क्यों टॉयलेट कर रही थी? पूछा था सर, तब उसने बताया कि वो उसके पुराने शहर में टीचर थे और वो उनसे प्राइवेट ट्यूशन लेती थी, पर एक दिन देखिए सर, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई थी, लेकिन उसकी सजा मैं आज भी भुगत रहा हूँ। ये देखिए, पिछले 2 साल से अपने इस टूटे पैर के सहारे चल रहा हूँ सर,
उसके बाद भी तू लवली को हैरास करता रहा? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। हाँ, कभी कभी उसे देखकर पुरानी बात याद आ जाती तो अपने इस टूटे पैर का गुस्सा निकालने के लिए उसे छोटी मोटी सजा देता था। रेप और मर्डर छोटी मोटी सजा है? मैंने लवली का रेप नहीं किया और ना ही उसका मर्डर किया, मैंने कुछ नहीं किया सर। तुमने क्या किया क्या नहीं किया ये तो हम पता लगा लेंगे। अरे कौन आप लोग? मैंने कुछ नहीं किया मैडम। सर, नहीं नहीं सर, मत मारिएगा, हम कसम खाकर कहते हैं कि हमने कुछ भी नहीं किया। हमारी बस इतनी सी गलती थी कि हम गलत वक्त पर गलत जगह थे। लेकिन अब तो सही वक्त और सही जगह पर, सच बोल। लवली ने जो हम पर इल्जाम लगाया था वो गलत था, और पूनम के बारे में भी हमने कुछ भी नहीं लिखा था दीवार पर। हम तो बस अपनी फोटो खींचने की लालच नहीं रोक पाए। लेकिन सर, तभी लवली वहाँ आ गई और उसने हमें सस्पेंड करवा दिया। इसलिए तूने उसको मार दिया? नहीं सर, लवली तो शेरनी थी, हम तो उसके पास से गुजरने में भी डरते थे, हम क्या उसे मारेंगे। तो इतने दिनों से छुपा हुआ क्यों था? सर, अपने पापा के डर से। उन्होंने तो आपकी बातें सुनकर मान ही लिया था कि हम ही खूनी है। सर, हमारे पापा बड़े गुस्सैल है, अगर घर जाते तो हमारी खाल उधेड़ देते। सर, दीवार पर पूनम के बारे में दीपक और सुनील ने लिखा था, लेकिन फंसे हम। तो दीपक और सुनील को जानता है? जी सर। कहाँ मिलेंगे दोनों? सर, मैं प्लीज मत मारो सर, हम मानते हैं कि हमने पूनम के बारे में दीवार पर बहुत गंदा गंदा लिखा था और लवली को भी छेड़ा था हमने, पर सर हमने उसको खून नहीं किया सर। हाँ साहब, हमने लवली को नहीं मारा है। मुर्गा बनाओ इन्हें, और इन दोनों विद्यार्थियों को तब तक मुर्गा बना कर रखो जब तक ये सच का अंडा। पुलिस के पास संदिग्ध कई थे, उन सबके पास मोटिव भी था मर्डर का, लेकिन किसी के भी खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था। वक्त गुजरा जा रहा था, लेकिन लवली का केस वहीं के वहीं रुका पड़ा था। और सबसे शर्मनाक बात यह थी कि एक मासूम लड़की के साथ गैंग रेप हुआ था, पर उसके गुनहगार कहीं आजाद घूम रहे थे। लेकिन कहते हैं ना, ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं। एक ऐसा क्लू पुलिस के हाथ लगा जिसने इन्वेस्टिगेशन का रुख ही बदल दिया। बहुत महंगा दाम लगा रहे हैं, लूट रहे हैं क्या? अरे नहीं भाभी जी, इतने सालों से हम दुकान कर रहे हैं, सबको लूटने बैठूंगा तो कैसे दुकानदारी होगी मेरी। मतलब काफी पुराने हैं आप यहाँ पे? हाँ, 15 साल पुरानी दुकान है हमारी। लगता है आप यहाँ नए आए हैं। हाँ भैया, हम कुछ दिन पहले ही आए हैं। लेकिन सुना है यहाँ किसी लड़की का मर्डर हो गया, कुछ पता चला उसके बारे में, कौन किया है वो मर्डर? हाँ भाभी, आप सही सुने हो, लेकिन पुलिस पूछताछ कर रही है। अब वैसे भी लड़कियाँ लड़कों के साथ गुलछर्रे उड़ाएंगी, यही सब कुछ होगा ना। गुलछर्रे उड़ाएंगी मतलब? कुछ समझे नहीं हम। माफ करना, मरे हुए लोगों के बारे में कुछ बुरा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैंने उड़ती उड़ती एक खबर सुनी है कि उस लड़की लवली का किसी लड़के के साथ चक्कर चल रहा था। कौन था वो लड़का? अब इतना तो नहीं हमको पता। वेरी गुड रेणु, गांव के और लोगों से बात करो और कोशिश करो कि कोई पुख्ता नाम हमारे हाथ लगे। जी सर। लवली के कॉल रिकॉर्ड चेक किए, एक नाम मिला है, लेकिन दोनों के बीच ज्यादा बातचीत नहीं होती, इसलिए अफेयर जैसा कुछ नहीं लग रहा। फिर भी उठाओ सर, लेट्स टेक अ चांस। सर, सर हम सच कह रहे हैं सर, लवली के साथ हमारा कोई अफेयर नहीं था सर। लड़का लड़की घूमने लगते तो सर सब लोग बातें बनाने लगते। सर, लवली तो हमारी राखी सिस्टर थी सर, बहन मानते थे सर हम उसको। सर ये देखिए सर फोटो, सर नसीब से हमारे फोन में फोटो है सर, वरना सर जैसे आप हमें उठा लिए सर, लवली के भैया तो हमें पीटी देते थे। लवली के भैया मतलब कन्हैया? हाँ सर, उनको लगता था कि हमारे बीच में कुछ अफेयर चल रहा है, तो वो अपने साथी लेके आए थे हमें पीटने के लिए। अगली बार से हमारी बहन के आसपास भी दिखे ना तो टांगे तोड़ देंगे तुम्हारी। हम मिलेंगे, क्योंकि हमने कुछ गलत नहीं किया है। ये देखो, हमारी कोई बहन नहीं है ना, तो हम लवली को बहन मानते हैं। लवली ने राखी बांध दी हमें, अब यकीन आया आपको? पूजा, एक पॉइंट मेरे जहन में बार बार चल रहा है, लेकिन उसे सपोर्ट करने के लिए हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। कौन सा पॉइंट सर? सर, आपका शक सही था, जिस दिन लवली का मर्डर हुआ उस दिन इस लड़के ने एक डजन कॉन्डम्स खरीदे थे। कम उम्र का लड़का है, ना बीवी है,
ना गर्लफ्रेंड। उठाओ इसे। सर हम कुछ नहीं किए सर, आप लोग फंसा रहे हमको। फंसा तो गया क्योंकि हमने उस दुकान का पता लगा लिया है जहाँ से तूने कॉन्डम्स खरीदे थे, और तू सीसीटीवी में भी उस दिन उसी बिल्डिंग की तरफ आते हुए दिख रहा। अंकित जल्दी चल, कन्हैया फिर से पकड़ा गया है। क्या हुआ अंकित भैया? अरे उसको कोई फिर से भड़का रहा है कि तुमरा और गौतम का अफेयर चल रहा है, वहाँ गौतम को पकड़ के रखे हुए हैं। कहाँ पकड़ कर रखे हैं? सम्राट चाचा का नैका वाला बिल्डिंग है ना, हाँ। उसके छत पे रखे हुए पकड़ के। भैया भैया गौतम कहाँ है? यहाँ कोई गौतम नहीं है, और हमने तुमसे कहा था ना उस गौतम से दूर रहना। तुमने झूठ बोला हमसे। जुबान चलने लग गई ना तेरी, अभी बताता हूँ क्या करूंगा। और फिर हमने अपने हाथों से उसका गला घोट दिया, और आत्महत्या दिखाने के लिए उसे बिल्डिंग की छत से नीचे फेंक दिया। खुद की सगी बहन के साथ क्यों किया? देख भैया कन्हैया, कहने में तो बहुत बुरा लगता है, लेकिन यह लवली के चाल चलन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वहाँ पर विवेक, अब यहाँ पर गौतम। विवेक तो मर गया, मुझे लगता है अब गौतम के मरने की बारी है। तू डरता है किसी से? डरते नहीं है ताऊ, लेकिन बहन है वो हमारी। अबे तेरी माँ और तेरी मौसा की नाजायज औलाद है वो। कहाँ बकरे होता हुई है? तभी तो उसके पैदा होते तेरे बाप ने तेरी मौसी को सौंप दिया था उसे। बताता हूँ, हमने कन्हैया को झूठी कहानी सुनाई थी साहब। खुद के भाई के बच्चों के साथ तुम्हारी क्या दुश्मनी थी? दुश्मनी हमारी बच्चों के साथ नहीं, उनके बाप के साथ थी। उसने चालाकी से हमारी एक उपजाऊ जमीन का टुकड़ा हमसे हथिया लिया साहब, इसलिए मैंने सोचा कि घर के चिराग से घर को आग लगा देता हूँ। इसलिए हमने कन्हैया के अंदर लवली के खिलाफ जहर भरना शुरू कर दिया साहब। तेरी बेटी जैसी भतीजी, उसके साथ ये घिनौनी हरकत क्यों की? ए, क्या चल रहा है सब? हाँ जी। उठा। हमें बस जा लीजिए, ये दोनों। हाँ जी। अब हमारी बारी है। जो चला गया वो तो लौट कर नहीं आएगा, फिर इंसाफ का क्या मतलब? इंसाफ भी एक भ्रम है, लेकिन ये भ्रम बना रहना चाहिए, क्योंकि इंसाफ उन्हें सुकून देता है जो पीछे रह गए। लवली के साथ जो हुआ उसने न सिर्फ इंसानियत पर बल्कि उस रिश्ते पर भी धब्बा लगा दिया जिसे हम पवित्र मानते हैं। कन्हैया ने भाई बहन के रिश्ते को दागदार कर दिया। नफरत स्लो पॉइजन की तरह होता है। जब एक इंसान अपनी आंखों में गुस्सा और दिल में गुबार लेके चलता है तो नतीजा सिवाय तबाही के कुछ नहीं होता। सुदामा को अपने भाई वृंदावन से नाराजगी थी जो नफरत में बदल गई। फिर उसने शतरंज की बिसात बिछाई और वृंदावन के बेटे को ही मोहरा बना दिया। लेकिन इसमें लवली का क्या दोष था? उसे किस गुनाह की सजा मिली? सदियों से यही होता आया है, लड़ाई किसी की भी हो, नफरत किसी की भी हो, औरत ही हमेशा पिसती आई है। किसी से बदला लेना हो, उसे सबक सिखाना हो, तो अक्सर वार उस शख्स पर नहीं उसकी बीवी बेटी बहन या गर्लफ्रेंड पे किया जाता है। कहते हैं ना कि किसी को अगर चोट पहुंचानी है तो सबसे पहले उसकी सबसे कीमती चीज को ठेस पहुंचाओ। तो ऐसे औरत को चीज समझकर, वजूदहीन समझकर उसे कुचल दिया जाता है। एक मर्द की दूसरे मर्द से लड़ाई, लेकिन सबसे पहले औरत ने गाली खाई, औरत ने जान गंवाई। इस तरह से औरत को वजूदहीन व्यक्तित्वहीन समझना, यही सबसे बड़ी और सबसे गंदी सोच है। तो बात बार बार वहीं आकर रुक जाती है। हर बार मैं यही बात कहती हूँ कि जब तक हम अपनी सोच को नहीं बदलेंगे तब तक औरतों के खिलाफ हो रहे क्राइम्स नहीं रुकेंगे। तो चलिए मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया इसी नोट पे आपसे लेती हूँ विदा। फिर मिलूंगी एक और सच्ची हैरत अंगेज करने वाली कहानी के साथ। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क विमेन अगेंस्ट क्राइम। एक औरत पर वार, अब हर औरत का भार। जय हिंद।